मुंबई में बांद्रा से धारावी तक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा, पदयात्रा में कांग्रेस नेता समेत कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी रुक रुक कर लोगों से बात भी करते नजर आए। कांग्रेस उपाध्यक्ष की पदयात्रा को लेकर भव्य तैयारी की गई थी। दो दिवसीय मुंबई दौरे के अंतिम दिन आज राहुल गांधी नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट के छात्रों से भी उन्होंने संवाद किया। विलेपार्ले में है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। मुंबई में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की जीएसटी बिल को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना, कहा बीजेपी 7 साल से कर रही थी जीएसटी का विरोध। राहुल गांधी ने खेल संगठन में राजनेता के शामिल न होने की भी कही बात। महंगाई के मुद्दे पर राहुल ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, नए कारोबारों के लिए सहूलियतों का हो सकता है ऐलान। शाम 5 बजे विज्ञान भवन में होगा स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च समारोह। कार्यक्रम में सभी कंपनियों के सीईओ होंगे मौजूद। दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की स्टार्टअप इंडिया लॉन्च के ओपनिंग सेशन की शुरुआत। मौके पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई लोग मौजूद। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च के ओपनिंग सेशन में वित्त मंत्री ने दिया भरोसा, स्टार्टअप इंडिया के लिए बैंक और सरकार संसाधन करवाएंगी उपलब्ध। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की लाइसेंस राज खत्म करने की बात, कहा मुद्रा योजना से 25% लोगों को मिला लाभ, स्टार्टअप मूवमेंट से स्वरोजगार को मिलेगा फायदा। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर पर दिया बयान, कहा जब तक दिल्ली में है भाई नरेंद्र की सरकार, राम मंदिर को लेकर आंदोलन की नहीं होगी कोई बात। यही नहीं, प्रवीण तोगड़िया ने यह भी कहा, मोदी मजबूत इरादों वाले व्यक्ति हैं, मुझे यकीन है वो संसद से कानून बनवाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राह सुनिश्चित करेंगे। प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर निर्माण के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की। सोमनाथ मंदिर निर्माण का दिया हवाला। पठानकोट हमले पर बोले तोगड़िया, सेना पर हमला युद्ध जैसा, दाऊद मसूद अजहर लखवी और हाफिज सईद को भारत सुपुर्द किए जाने पर ही हो पाकिस्तान से बात। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मंदिर मस्जिद में नहीं मानव निर्माण में करता हूं विश्वास। ऑड इवन फॉर्मूले की कामयाबी से दिल्ली सरकार गदगद, केजरीवाल ने ट्वीट कर सुधार के साथ फॉर्मूला लागू करने के संकेत दिए। 18 तारीख को रिव्यू मीटिंग। 15 दिन के ऑड इवन प्लान पर केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड। प्रदूषण के आंकड़े अभी बाकी लेकिन मुख्यमंत्री का दावा ट्रैफिक से बची जान। पेट्रोल डीजल फिर हुआ सस्ता, पेट्रोल के दाम में 32 और डीजल की कीमत में 85 पैसे की कटौती। सरकार ने पेट्रोल पर 75 और डीजल पर 1.83 रुपये बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में है भारी गिरावट, 12 साल के सबसे निचले स्तर पर है कीमतें, $30 प्रति बैरल पहुंचे दाम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में उद्धव को न बुलाए जाने की चर्चा। 13 से 18 फरवरी तक मुंबई में मनाया जाएगा मेक इन इंडिया वीक। गोरखपुर में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई का बीजेपी को जवाब, कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुद देंगे न्योता। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान, बोले महालक्ष्मी रेस कोर्स में नहीं बनना चाहिए बाला साहब ठाकरे मेमोरियल। केरल में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का शिवसेना ने किया विरोध, कोलकाता के बाद सरकार के न्योते पर गुलाम अली पहुंचे हैं तिरुवनंतपुरम। कार्यक्रम स्थल के पास नारेबाजी कर रहे शिव सैनिकों ने जलाया पाकिस्तान का झंडा, पुलिस ने बमुश्किल शिव सैनिकों को काबू किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन अली असगर की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक, बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने से जुड़ी शिकायत में आरोपी हैं अली असगर। कीकू शारदा की गिरफ्तारी पर बोले बाबा रामदेव, कहा संयम के साथ मिमिक्री करें कॉमेडियन, साथ ही बड़े लोगों को भी रखना चाहिए बड़ा दिल। लुनावला में योग गुरु रामदेव ने कहा देश में कहीं नहीं है असहिष्णुता, बोले ये शब्द कुछ वामपंथी दक्षिणपंथी अवसरवादियों की देन।
कल मायावती के जन्मदिन पर हुए आयोजन में आजमगढ़ में जमकर लगे ठुमके। आजमगढ़ में मायावती के जन्मदिन समारोह में ढोल नगाड़े की धुन सुनकर झूमे कार्यकर्ता, कुछ हाथी पर सवार होकर पहुंचे। आगामी चुनाव में 10 विधानसभा सीट जीतने का दावा किया। पठानकोट आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों के फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट मांग सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है जांच। गुरुदासपुर के एसपी सलविंदर का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट, एनआईए कोर्ट से लेगी मंजूरी, अगले सप्ताह टेस्ट संभव। पटना में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल मनान गिरफ्तार, मोबाइल में मिली बिहार के चर्चित स्थानों की अहम जानकारी। मध्य प्रदेश के धार में 24 जनवरी को होगी साध्वी रितंबरा की सभा, पतंग पर आईएसआईएस लिखकर की गई अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने दर्ज किया केस। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में नया खुलासा, एम्स की विसरा रिपोर्ट में जहर के अंश की पुष्टि। पश्चिम बंगाल के मालदा मामले को लेकर नोएडा में एक महिला को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप की घटना सामने आई। आम आदमी पार्टी की विधायक प्रमिला टोकस के पति धीरज टोकस की बीती रात हुई गिरफ्तारी, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत, अपने वार्ड में मृत मिला 30 साल का महेश, ड्रग ओवरडोज का शक। दिल्ली के सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो नाबालिग छात्राओं को देह व्यापार से बचाया, दो महिला दलाल गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मंचलों को एक लड़की ने सिखाया सबक, पिटाई के दौरान राहगीरों ने भी किया हादसा। गया में एक शख्स को सिर मुंडाकर और जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया, जादू टोने का लगाया आरोप। गया में युवक पर बर्बरता के आरोप में पुलिस ने की गिरफ्तारी, दो लोग गिरफ्तार। गया में नक्सलियों के कमांडर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार हुए बरामद। बस्तर पुलिस के सामने 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 5 नक्सलियों पर था 1,00,000 से 3,00,000 रुपए तक का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने 4 नक्सलियों को किया ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गया के अत्री थाने में 5 दबंगों ने एक शख्स की चाकू से आंखें फोड़ी, पीड़ित जैन जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस हिरासत में एक नाबालिग को टॉर्चर करने का आरोप, महिला इंस्पेक्टर सावित्री बाला और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। राजकोट में 35 से ज्यादा क्रिकेट खिलाड़ी ठगी के शिकार, राजू राम नाम के ठग ने आईपीएल राजकोट टीम में ट्रायल का ऑफर देकर ठगा। हैदराबाद में सिगरेट के पैकेट में सोने की तस्करी का पर्दाफाश, कतर जाने वाले विमान से 4.5 किलो से ज्यादा का सोना बरामद। मुंबई में 2 अलग अलग हादसों में 5 लोग घायल, पहला हादसा अंधेरी और जोगेश्वरी के बीच और दूसरा हादसा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ। बिहार के बेगूसराय में 3 बहनों ने 8 बदमाशों के छुड़ाए छक्के, लूट के लिए घर में घुसे बदमाशों से लिया लोहा, घायल होने के बावजूद एक बदमाश को दबोचा, खुद को फंसा पाकर बदमाशों ने चलाई गोली, एक ग्रामीण गोली लगने से घायल। भाई यार को तब मन में लगा कि हम भी कुछ कर सकते, बचा सकते, मम्मी को भाई को सबको बचा सकते, इसी की वजह से हम लोग दौड़े। जब मारा था ना भाई यार, तो भी उस समय ख्याल नहीं आया कि मेरा सिर फूटा हुआ है, मेरी छोटी बहन का भी फूटा हुआ है,
तो उस समय कुछ थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुए। बहनों ने दिखाई बहादुरी, लेकिन बिहार पुलिस पर उठा सवाल। एक बदमाश की गिरफ्तारी के बावजूद बाकी फरार बदमाशों को अब तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। कर्नाटक के वादी पुलिस स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस में हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध गुलबर्गा, और रेलवे पुलिस ने 2 घंटे तक ट्रेन में की जांच। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज करेगा मुलाकात। एयरपोर्ट पर तिब्बती प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। तमिलनाडु में कुंभाभिषेकम महोत्सव की धूम, रामेश्वरम में मनाया जा रहा है महोत्सव। कर्नाटक के गुलबर्गा में यादगीर महोत्सव की धूम, हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पुंछ में गुरु गोविंद सिंह की निकाली गई शोभा यात्रा, लोगों ने तलवारबाजी का भी किया प्रदर्शन। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान गिरा, मैदानी हिस्से में शीतलहर का असर। भोपाल में शीतलहर का असर, जनजीवन पर ठंड का असर। दिल्ली में भी ठंडी हवाओं की वजह से बढ़ा सर्दी का एहसास। दिल्ली एनसीआर में छाए हुए हैं काले बादल, दोपहर में भी हल्का कोहरा। दिल्ली में सुबह का तापमान करीब 11 डिग्री किया गया दर्ज, दोपहर बाद कोहरा छटने की उम्मीद। उत्तर भारत में कोहरे का असर, कोहरे की वजह से नॉर्दर्न रेलवे ने किया 45 ट्रेन रद्द। दीपिका पादुकोण को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म पीकू में अभिनय के लिए मिला खिताब। फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली को मिला बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म बजरंगी भाईजान को मिला बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म हीरो के लिए सूरज पंचोली को बेस्ट डेब्यू एक्टर, और दम लगा के हाइशा के लिए भूमि पेडनेकर को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। बुर्किना फासो में होटल पर हुए आतंकी हमले की अलकायदा ने ली जिम्मेदारी, आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। मेक्सिको सिटी के एक रेस्टोरेंट में धमाका, 20 लोगों के मरने की खबर। मेक्सिको में रेस्टोरेंट में हुए धमाके में गैस लीक होने की आशंका, जबरदस्त धमाके से रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा उड़ा। नेपाल में नहीं थम रहा मधेशी आंदोलन, रक्सौल में सरहद के करीब सड़क पर उतरे लोग। पेरू में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, धुएं के गुब्बार से पटा इलाका।